तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ इंडियन तमिल मेड हॉरर मूवी आयरा। इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग है 4.7 और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्यन्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रही होती है। आर्यन्या एक न्यूज चैनल में काम किया करती थी लेकिन उसके पेरेंट्स इसे आज इस रेस्टोरेंट में बुलाए होते हैं उसे बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। शादी की बात जैसे ही निकलती है तो आर्यन्या कहती है कि मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं कि वो आज मिलने के लिए भी आ रहा है। फिर वो लोग चले जाते हैं और वहाँ पर वो लड़का आकर बैठ जाता है जिसके बाद आर्यन्या से उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आर्यन्या उसे साफ साफ मना कर देती है बल्कि उसकी बुराई भी करती है और उसे भला बुरा बोलकर भाग जाने के लिए कहती है। अब आर्यन्या वहाँ से जा रही होती है तभी वो एक लिफ्ट लेती है लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत लिफ्ट रोकने की कोशिश करती है लेकिन आर्यन्या लिफ्ट नहीं रोकती है और वो अकेले ही चली जाती है। आर्यन्या ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था लेकिन आर्यन्या ने जो आज लिफ्ट नहीं रोकी थी ये छोटी सी घटना आर्यन्या के लिए सबसे बड़ा जिंदगी का लेसन होने वाला था। अगली सीन में हम देखते हैं कि आर्यन्या जब दोबारा से एक बार पेरेंट्स से मिलने के लिए घर जाती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के वाले ने हाँ कह दी है और तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। अब आर्यन्या को तो समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी है इस शादी के जंजाल में। तो अगली सुबह वो माँ बाप को धोखा देकर अपने गाँव चली जाती है यानी अपनी दादी के घर। वो एक बहुत खूबसूरत सा जगह होता है जहाँ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, जहाँ आर्यन्या शहर को बहुत दूर छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए आई थी। उसे दादी से मिले जमाना हो गया था लेकिन आर्यन्या अपने जॉब से भी हेट करती थी क्योंकि उसे अपने दम पर कुछ बड़ा करना था। आर्यन्या को कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा था जो उसके सपनों को समझ सके और उसके साथ साथ ग्रो कर सके। अब फाइनली आर्यन्या अपने दादी के घर पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दादी पूरे घर में पेंटिंग करवा रही हैं। वो दादी से मिलकर बहुत खुश होती है। दादी के साथ एक मोटा गेंडा जैसा लड़का भी होता था लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी, भले दिन भर उसे गालियां देती थी। आर्यन्या दादी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन आर्यन्या की दादी देख नहीं सकती। लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं कि आर्यन्या को इस घर में आए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देने लगती हैं। क्योंकि आर्यन्या की दादी देख नहीं सकती थी तो उन्होंने 3 बिल्लियां रखी थी अपने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। बिल्लियां हमेशा कुछ न कुछ देखकर म्याओं म्याओं करती रहती थी। अब अगली सुबह होती है और आर्यन्या जाती है दादी के उस मोटे गैंडे लड़के के कमरे में उसे साथ पर जॉगिंग ले जाने के लिए। तो वो गैंडा पहले से तैयार होकर रेडी था और कहता है कि बस 2 मिनट में हल्का होकर आ जाता हूँ। जिसके बाद आर्यन्या नोटिस करती है कि उसके कमरे में एक छोटा सा लड़का भी लेटा हुआ था। जब आर्यन्या उसे हाय बोलती है तो वो रिस्पॉन्स भी करता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि उस मोटे गैंडे लड़के के साथ आर्यन्या जॉगिंग पर चली जाती है और इसके बाद वो जब वापस घर आती है तो वो दीवारों को पेंट करने के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ हम एक इंसान को देखते हैं जो कि हाल ही में अपनी बीवी को खो दिया था। अब अगली सीन में आर्यन्या जब उस दीवार को पेंट कर रही होती है तभी एक तितली वहां पर आकर चिपक कर मर जाती है। आर्यन्या को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि उसके साथ इस घर में ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रही है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं कि आर्यन्या की दादी टीवी चलाकर कुछ पुराने कैसेट्स देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि कमरे के अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरा को देखने वाला सिर्फ उसकी 3 बिल्लियां हैं। लेकिन तभी कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे दृश्य आर्यन्या देख लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अगली सीन में हम उसी इंसान को देखते हैं जो अपने बीवी के खोने के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहा था। तभी वो सुनता है कि बहुत सारे मर्डर्स ऐसे ही ऊंचाई से कूद कर हो रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम आदित्य होता है और आदित्य को अब चुल मचती है कि वो सारे मर्डर्स का कनेक्शन निकाल कर रहेगा। कनेक्शन तो दूसरी तरफ आर्यन्या निकाल रही होती है YouTube से पैसे कमाने का। वो कहती है कि इस घर में हम हॉरर वीडियोस बनाकर YouTube पे एक चैनल बनाकर पोस्ट करेंगे तो जाकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और फेमस भी हो सकते हैं। ये करने के लिए राजी करती है दादी को और उसके चेले को। दादी का चेला अपनी बकवास एक्टिंग को लेकर राजी हो जाता है और यहाँ पर आर्यन्या वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुकी थी जिसके बाद वो एक डरावना चैनल बनाती है और वीडियोस को अपलोड करने लगती है। कुछ ही महीनों के मेहनत के बाद वीडियोस अच्छी तरीके से वायरल होना स्टार्ट हो गए थे। आर्यन्या को खुशी तो मिल रही थी
लेकिन वीडियोस बनाने के दौरान आरण्या के साथ कुछ असली घटना भी हो रहे थे जिसको आरण्या को झेलना पड़ रहा था, लेकिन वो इस बारे में दादी को नहीं बता रही थी क्योंकि जनता उनके वीडियोस को बहुत मौज लेकर देख रहे थे और उनको फेमस करते जा रहे थे। देखते ही देखते ये वीडियोस आरण्या के पेरेंट्स के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन उनके पेरेंट्स कोई आपत्ति नहीं जताते हैं क्योंकि आरण्या की पॉपुलैरिटी और उसके चैनल की पॉपुलैरिटी टॉप पर पहुंच रही थी। यहां तक कि देखते देखते आरण्या न्यूज चैनल पर भी आ जाते हैं जहां पर उसके वीडियोस जमकर वायरल हो रहे थे। आरण्या को हेट्स और लाइक्स दोनों साथ में मिलने लगते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाना बंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और देखते ही देखते वो मोटा तगड़ा पैसा भी कमाने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो नोटिस करती है कि उसकी दादी अचानक से चिल्ला रही है। आरण्या एक दो बार जाकर चेक करती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो दोबारा अपने काम में व्यस्त हो जाती है वीडियो एडिटिंग करने में। लेकिन दूसरी तरफ सच में आरण्या की दादी को कोई खींच कर ले जा रहा था। आरण्या की दादी चिल्लाती रह जाती है और इस बार आरण्या जब दोबारा अपने दादी की आवाज सुनकर बाहर तक चली आती है तो वो देखती है कि बाहर में बहुत सारी लाशें टंगी हुई है पेड़ के ऊपर। आरण्या ये दृश्य देखकर बहुत घबरा जाती है, फिर एक हाथ आरण्या के गले को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। आरण्या चिल्लाती रह जाती है लेकिन वहां पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है, फिर वो उसे छोड़ देता है और आरण्या नीचे बेहोश हो जाती है गिर के। उस रात सिर्फ आरण्या और आरण्या के दादी के साथ ही ये घटना घटी थी और ये घटना के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। आरण्या की दादी के साथ वो लोग कुछ ऐसा किए थे कि वो अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। आरण्या जब होश में आती है तो वो सबसे पहले अपनी दादी से ही मिलने के लिए जाती है। वो अपनी दादी को सॉरी बोलती है। उसके बाद आरण्या को कुछ ऐसा दिखता जब उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं होते हैं। डॉक्टर ने आरण्या को बेड रेस्ट एक हफ्ते के लिए कहा था, लेकिन उसी रात को अचानक से आरण्या की दादी फिर से उस कमरे से बाहर निकल जाती है जबकि वो पैर से चल भी नहीं सकती थी। ये दृश्य आरण्या अपनी आंखों से देखती है, लेकिन अगले ही पल में उसके दादी का देहांत हो जाता है। आरण्या को इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है। आरण्या को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अगर वो इन सब चीजों में अपनी दादी को इन्वॉल्व नहीं करती तो उसकी दादी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि दादी के फ्यूनरल के समय वही लड़का आरण्या से आकर कहता है कि तुमने भवानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और अचानक से वो भूत में कन्वर्ट हो जाता है। ये दृश्य देखने के बाद आरण्या के होश उड़ जाते हैं। जिस बच्चे से वो इतने दिन से बातचीत कर रही थी वो दरअसल जिंदा ही नहीं था। वो चेला भी कहता है कि मेरा कोई भांजा नहीं है, जिससे आरण्या को पता चल जाता है कि इतने दिन से वो भूत से बात कर रही थी। अब अगली सीन में हम उस आदित्य को देखते हैं जो कि एक तांत्रिक से मिलता है। आदित्य पंडित के पास इसीलिए आया था क्योंकि उसे मालूम करना था कि सबकी मौत क्यों हो रही है और वो सब मेरे ही इधर गिधर क्यों घूम रहे हैं। तभी वो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर वो मिलता है भवानी से जो कि मर चुकी है। वो जानता था कि भवानी कौन है। वो उससे कहता है तुम सबको क्यों मार रही हो। तभी भवानी एक लड़की का शक्ल दिखाती है और वो शक्ल किसी और का नहीं बल्कि आरण्या को होता है, और वो कहती है कि मैं सबको मारने के बाद इसे भी मारूंगी। और दूसरी तरफ डे बाय डे आरण्या का घर और भी ज्यादा डरावना होने लगा था। यहाँ तक कि भवानी बार बार आरण्या के सामने भी आ जा रही थी और अपना चेहरा भी दिखा दे रही थी। आरण्या के फेफड़े मुंह में आ जा रहे थे। दूसरी तरफ कंप्यूटर नेटवर्क से पता चलता है साइबर कैफे में बैठे हुए आदित्य को कि आरण्या एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है जो कि हॉरर वीडियोस यूट्यूब पे बनवाती है, क्योंकि भवानी ने आदित्य को आरण्या का चेहरा दिखा दिया था कि वो उसे मारने वाली है। दूसरी तरफ आरण्या को भी पता चल जाता है आदित्य के ठिकाना। अचानक से उसे ढूंढने के लिए जब उसके घर आती है तो उसकी मुलाकात आदित्य से हो ही जाती है और आदित्य आरण्या के सामने भवानी का सारा सच उगल कर रख देता है। वो कहता है कि भवानी मेरी होने वाली पत्नी थी जो कि अपनी जान गवा बैठी है और अब वो तुम्हारी जान के पीछे लगी है, लेकिन हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहती है। अब आरण्या अपने घर में एक बहुत बड़ा पूजा आरंभ करवाती है। ये सब तांत्रिक के कहने पर किया जा रहा था और आरण्या ऐसा इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसे भवानी से बात करनी थी
कि वो उसकी जान के पीछे क्यों लगी है और वो बाकी सबकी जान क्यों ले रही है। प्रोसेस में एक प्रोसेस ये भी था कि आरण्या की असली बॉडी को कब्र से निकालकर उसे मारना होगा, तब जाकर भवानी उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन जब भवानी आरण्या के सामने प्रकट होती है तो भवानी अपनी कहानी बताना शुरू करती है आरण्या के पूछने पर कि तुम उसकी जान के पीछे क्यों लगी हो। भवानी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पैदा होने से मेरा बाप बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे बिजली के झटके लग जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो सारे लोगों का आरोप मेरे ऊपर ही लग जाता है कि मैं इस दुनिया में आते ही अपने बाप को निगल गई, और मेरी माँ मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था, वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। भवानी का सिंप्लिसिटी देखकर उससे प्यार कर बैठता है और शादी करने का वादा भी करता है। लेकिन जब भवानी बड़ी होती है तो बहुत सारे रिश्ते उसके पास आते हैं, लेकिन सारे लड़के उसे रिजेक्ट कर देते हैं। भवानी के बहन का हस्बैंड भवानी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है क्योंकि भवानी उसके घर में रहा किया करती थी। अब क्योंकि भवानी मनहूस किस्मत लेकर पैदा हुई थी इसलिए कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है कि उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया है। भवानी के साथ जब ये दुर्घटना होती है वो अपनी माँ को भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ और बहन दोनों मिलकर भवानी को घर से बाहर निकल देते हैं। भवानी अब शहर में आकर एक वेटर का काम करने लगती है और वहाँ उसे मुलाकात होती है दोबारे आदित्य से। आदित्य तो पहले उसे देख नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि ये तो वही भवानी है, जिसके बाद आदित्य से देखा नहीं जाता है। वो भवानी को दोबारे लेकर अपने अड्डे पर जाता है और हमेशा के लिए उसके साथ हो जाने के लिए उससे फिर से शादी का वादा करता है। बहुत सालों के बाद भवानी को ऐसा लग रहा था कि उसकी खुशी उसे दोबारा मिल जाएगी और हमेशा के लिए अब वो आदित्य के साथ खुशी खुशी रहेगी, उसे किसी चीज का टेंशन नहीं होगा। फाइनली शादी का डेट तय हो जाता है और ये वही सीन होता है जब भवानी उस रेस्टोरेंट में लिफ्ट से नीचे जाना चाह रही थी और वहाँ खड़ी थी आरण्या, जो कि लिफ्ट भवानी के लिए नहीं रोकती है, तो भवानी को सीढ़ियाँ से नीचे जाना पड़ता है, जिसके बाद भवानी को आदित्य के पास जल्दी से पहुंचना था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लेट ना हो जाए, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो कोई भी रिक्शा चलने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई होता भी है तो ज्यादा पैसे मांगता है। दूसरी तरफ आदित्य उसे बार बार फोन कर जल्दी आने के लिए कह रहा था, वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है। आखिरकार भवानी को एक रिक्शा मिल ही जाता है, जिसके बाद वो रास्ते भर भवानी आदित्य से बात करते करते आ ही रही थी, तभी अचानक से रास्ते पर कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि भवानी का वो अंगूठी मैरिज अंगूठी छीन लेते हैं जो कि भवानी ने आदित्य के लिए एज ए गिफ्ट खरीदा था। अब भवानी सच में एक बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। भवानी बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो गुंडे उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसके बाकी भी जेवर छीन कर भाग जाते हैं, जिसके बाद भवानी एक बच्चा मिलता है और कहता है कि मुझे रोड क्रॉस करवा दीजिए। भवानी उससे देखती है और बिना कोई सवाल जवाब किए उसे रोड क्रॉस करवाने लगती है, लेकिन तभी जैसा कि मैंने कहा भवानी की किस्मत बहुत बुरी थी और आज इस बच्चे की भी बुरी किस्मत थी, तभी उसका रोड एक्सीडेंट एक ट्रक ड्राइवर के थ्रू हो जाता है जिसमें वो बच्चा भी मारा जाता है। ये वही बच्चा था जो आरण्या को उस वक्त कह रहा था कि तुमने भवानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये कहानी कंप्लीट हो जाती है तो भवानी उससे कहती है कि मुझसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपना शरीर मुझे दे दो और मैं दोबारा आदित्य से शादी करूंगी और उसके साथ खुशी खुशी रहूंगी। अब आरण्या को उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इस बात के लिए राजी हो जाती है, वो अपना शरीर देने के लिए तैयार। अब आदित्य जब यहाँ पर आता है तो उसे शादी के मंडप में बैठा दिया जाता है और अब शादी करने के लिए वो तैयार था भवानी से। भवानी आरण्या के शरीर में समाकर उसके सामने आ जाती है। आरण्या बिल्कुल भी आरण्या लग नहीं रही थी, वो पूरी तरीके से भवानी ही बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आदित्य ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि ये करना बिल्कुल भी गलत है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, अपनी जिंदगी बना नहीं सकते हैं। ये बात सुनकर भवानी फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैंने सिर्फ इसका शरीर ही तो मांगा है। लेकिन तभी आदित्य अपने आप को वहीं पर भोंक कर मार लेता है, जिससे भवानी का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो फिर से रोने लगती है। लेकिन तभी आदित्य कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ और वहाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और इसी के साथ वो आरण्या की बॉडी को छोड़ देती है और कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।